दोस्तों जीवन बहुत ही अनिश्चित है कब क्या हो जाए ये आप कह नहीं सकते हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमें एक ऐसा भी वक्त आएगा जब हमें अपने ही घर में कैद होकर रहना पड़ेगा मित्रों कोरोना वायरस बहुत ही भयानक बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है लेकिन दूसरे देशों की अपेक्षा हमारा देश काफ़ी अच्छी स्थिति में है हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप घर में ही रहिए जी हाँ तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमें घर में ही रहना है और मैं समझता हूँ मित्रों कि ये एक ऐसा वक्त आया है आपके जीवन में इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए आप बहुत सारे ऐसे काम करना चाहते थे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त हैं जो रोज़मर्रा की आपाधापी में आप उनसे बात नहीं कर पा रहे थे मैंने भी अपने बचपन के कई दोस्तों से बात की मुझे बहुत अच्छा लगा आप भी ऐसा कर सकते हैं इस लॉकडाउन का जो वक्त है इसको स्वसर मानकर उसका सदुपयोग करिए अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकते हैं आप गाना गा सकते हैं पेंटिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी कुकिंग कर सकते हैं और ये एक ऐसा अवसर है कि अपने परिवार के साथ रहकर समय को जानने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करिए एक दूसरे के बारे में अच्छा जानिए पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए मैं समझ सकता हूँ कि लगातार एक ही वातावरण में रहने से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और इस समय उनका सोचिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे डॉक्टर्स हैं नर्सेज हैं पुलिस वाले हैं जो कि अपने परिवार को छोड़कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ और उन लोगों को भी जो कि एक समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं कई गरीब मज़दूर बेचारा जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना पहुंचा रहे हैं लेकिन हमें सिर्फ प्रधानमंत्री जी इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ घर में रहना है एक अजीब किस्म की लड़ाई है जिसे हमें घर में रहकर ही लड़ना है बॉर्डर पर नहीं जाना है तो आप दोस्तों घर पर रहिए एकजुटता दिखाइए और अपने को पॉजिटिव रखिए तो हम ये कोरोना जंग एक न एक दिन जरूर जीतेंगे धन्यवाद आप देख रहे हैं दखल न्यूज